हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स LSC 13 इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि LSC जो 13 असाइनमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स का आंसर जो है वो सामने ही लिखा गया है, और इसमें सिर्फ मैच ही करना था। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें बोटैनिकल नेम्स बताने थे, तो क्लोव है, पपाया, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, कैश्यू नट, इन सब के बोटैनिकल नेम्स बताने थे। उसके बाद था लेबल डायग्राम, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लेबल डायग्राम, मतलब कि डायग्राम्स बनानी है, उन्हें अच्छे से लेबल करना है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसका डायग्राम आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें पाँच पार्ट्स हैं इस सेकेंड क्वेश्चन के, तो पाँच डायग्राम्स हैं। तो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का है, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके इसे ड्रॉ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है एप्पल फ्रूट, LS पार्ट, जो LS दिखाना है एप्पल फ्रूट सेकंड पार्ट, स्क्रीन में आपको डायग्राम शो हो रही है। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉफ़ी बेरी, और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, और आप इस वीडियो को पॉज कर लें या फिर इसे इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें और डायग्राम फिर ड्रॉ कर लें। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकास रिवोल्टा। तो ये पांच पार्ट्स के साथ, पांच डायग्राम्स के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है फीचर्स बताने हैं, और जो फर्स्ट है रूट्स ऑफ ग्लैडियोलस, और इसको डायग्राम के साथ ये पॉइंट्स नोट कर लें पहले, और उसके बाद डायग्राम आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसके पॉइंट्स नोट कर लें सबसे पहले, उसके बाद डायग्राम देख लें, स्क्रीन पे आ गई है। उसके बाद है थर्ड पार्ट टर्मेरिक, पॉइंट्स नोट करें, उसके बाद इसकी डायग्राम। तो फोर्थ पार्ट है अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन मेज स्टेम, और इसकी डायग्राम। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, पॉइंट्स नोट करें, और इसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो डायग्राम बना लें। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस हाउ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव बिकम द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लें, इसमें डायग्राम नहीं बनानी है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें थ्रू WhatsApp, Instagram, Facebook, और हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स को बहुत सी जो असाइनमेंट है वो पहले चाहिए, जो भी आपको असाइनमेंट चाहिए आप हमें नोट करवाते जाइए, हम नोट करेंगे और उसके साथ साथ वो डिमांड्स के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दिन में जल्दी से जल्दी काफ़ी सारी असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करवा दें। फिफ्थ क्वेश्चन का ये पार्ट, और इसकी जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ये वन टाइप, वन ईयर टाइप और टू ईयर टाइप, दोनों में दोनों की डायग्राम यहाँ है। और इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है टू ईयर टाइप की, वो इतना आपको लिखना होगा, उसके बाद डायग्राम बनानी है। उसके बाद इसका बी पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, फाइलोजेनी ऑफ कार्पल, शॉर्ट नोट लिखना था जस्ट। तो इसके साथ ही इस असाइनमेंट के पांच क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं वो जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, बाकी पांच क्वेश्चंस। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दें। देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।